हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई स्पीसीज होम। दोस्तों, ये वीडियो स्पीडी बुक का है। इसमें जो है मैं आप लोगों को स्पीडी का जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, आधुनिक भारत के इतिहास, उसको मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। और इसमें जो है टोटल जो है से आपको वन लाइनर है, और उसके बाद जो है से जो भी वन लाइनर पे एमसीक्यू फॉर्म हो सकता था और जो भी संभावनाएं हैं एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाने की, वो सारे एमसीक्यू भी इसमें शामिल हैं। तो सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पर जो है वो डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे पहले जो है मैंने आपको बिहार स्पेशल भी मैं करवा रहा हूँ, जिसमें जो है 1000 MCQ सीरीज है। 69 BPSC के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो MCQ, आप लोग उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से जो है आपको लगभग क्वेश्चन जो है आपको बिहार स्पेशल से जो है वो करने में आप सक्षम हो जाएंगे। और टेस्ट सीरीज तो मैं लगातार ला ही रहा हूँ। और इसी तरह से मैंने जो है से हिस्ट्री का टाइमलाइन के थ्रू जो है आपको ये भी करवा दिया है, तो वो भी आप लोग देखिए। और साइंस वगैरह का भी वीडियो मैं लगातार लेकर आता रहूँगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे पीडीएफ मैं डाल दिया करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो एसपीडी का है बुक का, उसको मैं करवाने जा रहा हूँ। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, देखते हैं वन लाइनर है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम। तो क्रम क्या है भारत आने का? पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। सबसे पहले भारत आया था तो पुर्तगाली आए थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डा गामा था। 1498 में पश्चिमी तट तक कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया। दोबारा वास्को डा गामा भारत आया, तो दोबारा वास्को डा गामा भारत कब आया? 1502 में। पहली बार में इसको जो है गुजरात के नाविक अब्दुल माजिद ने इसकी मदद की थी कालीकट पहुंचने में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, तो कहाँ की? कोचिन में, 1503 ईस्वी में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था तो कौन था? फ्रांसिस्को डा अल्मीडा 1505 में जो है वो गवर्नर बना, पहला पुर्तगाली गवर्नर। जल शांति की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कर किया था, किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ये लागू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांसो दो अल्बुकर्क को, जो कि दूसरा गवर्नर था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा हुआ, तो कब कब्जा किया? तो अल्बुकर्क ने किया 1510 में, बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को छीन दिया। डच लोग भारत आए थे, तो डच भारत में कब आया? 1596 ईस्वी में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। पहला डच यात्री था, तो पहला डच यात्री कौन था? कॉर्नेलियस हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ की? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। अहमदनगर का विलय हुआ था, तो अहमदनगर का विलय कब हुआ? 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ, तो डचों का भारत में पतन कब हुआ? डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से 1759 में जो है दोनों के बीच युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने 1613 में पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जहांगीर के अनुमति से। और जब जो फैक्ट्री बनी थी, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उस वक्त जो राजा था वो था अकबर। अंग्रेजी और यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा शोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन था प्रसिद्ध? तो बिहार जो है वो प्रसिद्ध था। भारत आने वाला प्रथम जहाज था, उसका नाम क्या था? तो रेड ड्रैगन। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई, तो कब की गई? 1668 में, सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा जो है स्थापित की गई। और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में इसका गठन हुआ, लुई फोर्टीन के शासनकाल में जो है से कोलवर्ट ने उसका उसकी स्थापना की थी। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो वो था डुप्ले। पौंडीचेरी की स्थापना की, तो पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने, फ्रांसीसियों ने मतलब फ्रेंच ने की थी पौंडीचेरी की स्थापना 1674 में। अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार कब किया गया? तो 1661 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया, तो कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया? जॉब चार्नक ने 1690 में। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है कर्नाटिक एंग्लो कर्नाटिक वार हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 ईस्वी। समाप्त कैसे हुआ? तो एक्सला सपेल की संधि से समाप्त हुआ। ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन जब हुआ था, तो उसके वजह से यहाँ भी कर्नाटिक वार शुरू हो गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में समाप्त हुआ, पौंडीचेरी की संधि से। हैदराबाद और जो है से कर्नाटक के क्षेत्र में जो है गद्दी को लेकर उसमें जो है इन दोनों यूरोपीय शक्ति ने जो है हस्तक्षेप किया।
तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी समाप्त हुआ पेरिस की संधि से, जिसको जो है सेवन ईयर वॉर भी कहा जाता है। हम्मुराबी शासक था, कहाँ का था, द बेबीलोन का। वांडीवाश का युद्ध हुआ था, तो वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजियों के बीच हुआ था 1760 ईस्वी में, जिसमें जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी। वांडीवाश के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था, तो फ्रांसीसियों को जो है हराया था अंग्रेजी सेना ने। अंग्रेज ने फ्रांसीसी से पौंडेचेरी छीना, कब छीना, तो 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी 1600 सदी था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव जी थे सिख धर्म के संस्थापक जो है वे थे। 1469 में जो है उनकी जो है उनको पैदाइश हुई थी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नानक जी के पिता का नाम क्या था, तो मेहता कालू चंद। नानक जी के माता का नाम था तृप्ता देवी। संगत या धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था, तो गुरु नानक देव जी ने इसको स्थापित किया था लंगर और धर्मशाला को। गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए तो कौन हुए दूसरे गुरु, गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि के जनक, जिसको लहना भी कहा जाता है। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिख के चौथे गुरु गुरु रामदास को दी थी। आदि ग्रंथ की रचना की, तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने की, जो कि पांचवें गुरु थे। खुद इसी को जो जहांगीर ने जो है इसको फांसी इनको फांसी दे दिया था। खुद को सच्चा बादशाह कहा था, तो गुरु अर्जुन देव जी ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था, तो गोल्डन टेम्पल को किसने बनवाया था, श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साई मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी, तो अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी, श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाए, तो हिंद की चादर कौन कहलाए, गुरु तेग बहादुर ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। इनका जन्म जो है पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 में की थी। सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिख के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था 1708 ईस्वी में नादेर महाराष्ट्र में इनकी जो है से मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया, तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है अगला गुरु किसको स्थापित किया, तो गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने कहा कि अगले गुरु होंगे। उसके बाद गुरु प्रथा जो है खत्म हो गई। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ, स्क्वेयर चकिया मिसल के मान सिंह के घर हुआ। मान सिंह इनके पिता का नाम था, स्क्वेयर चकिया मिसल से ये बिलोंग करते थे। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था, तो वो था पुत्र खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था, तो वो था दिलीप सिंह। अमृतसर संधि हुई थी, तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, अलीवर्दी खां का नाती। काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को, सिराजुद्दौला के समय। इसमें जो है 146 आदमी को जो है छोटी से कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें आधीस अंग्रेज को, जिसमें सिर्फ 23 अंग्रेज जो है वो जिंदा बचे थे। हॉलवेल जो है उसमें बच गया था जिंदा, उसी ने ये घटना का वर्णन किया है। अलीनगर की संधि हुई थी, तो 1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध हुआ, कब हुआ, 23 जून 1757 को। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गया था, इनके बीच हुई थी। मीर जाफर ने इसको धोखा दिया था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 ईस्वी में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज और मीर कासिम, सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच अंग्रेज विजयी हुए। 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में, अंग्रेजों के सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच, इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। भारत में अंग्रेज राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है।
बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में क्लाइव ने की, 1765 से 72 तक ये रही द्वैध शासन, डायआरकी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स से। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1717-18 के मध्य में। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक किनको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट विधेयक 1883 में आया था, इसी वजह से इनको स्थानीय स्वायत्तता का फुट डालो राज करो की नीति किसने अपनाया? लॉर्ड कर्जन ने। मानव या नर बलि प्रथा पर रोक लगाई लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, 1833 में इसको बनाया गया था। सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हो गई 7 दिसंबर 1782 को पोर्टोनोवा के युद्ध में। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था तो ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर ने। रैतवाड़ी व्यवस्था किसान के साथ सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थॉमस मुनरो ने 1820 में। अस्थाई इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार बंगाल उड़ीसा में की। सूर्यस्त कानून संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा की गई। सहायक संधि पद्धति शुरू किया लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि को अस्वीकार करने वाला प्रथम शासक था हैदराबाद के निजाम, उसके बाद मैसूर था, तंजौर था। सहायक संधि करने वाला दूसरा प्रथम राज्य था हैदराबाद, दूसरा राज मैसूर 1799 में। अवध ने सहायक संधि अस्वीकार किया 1801 में। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया 1856 में कु प्रशासन का के कारण मल एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर। सहायक संधि अस्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में। बसीन की संधि हुई 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय हुआ 1847 में लॉर्ड एलन वरो के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू किया गया इनके द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 में, विडोड़ी मैरिज एक्ट। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय ने इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित हुई कब हुई? 1858 में। कैसरे हिंद उपाधि 1877 में मिली। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 18 जून 1815 को हुआ। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में आंग्ल नेपाल वार के 1814 से 16 के बीच में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक के समय। 1854 का उड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स उड के डिस्पैच को। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किया पुर्तगालियों ने, टोबैको को भी यही लाया था। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गैजेट 1779 में। न्यूज पेपर एक्ट पारित किया गया 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1847 में लॉर्ड एलन बड़ो के समय। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई
1857 मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल किया गया कब? दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे 34वें इन्फेंट्री के सिपाही। घटना हुई थी कब? हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाम्सटन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति था कैंपवेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का सर्वप्रथम संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। और सबसे पहले 1857 के इस पर जो लिखा था वो लिखा था सर सैयद अहमद खान ने असबाबे बगावत किताब। अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में किया। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी लॉरेंस एवं सिले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिजरेली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था LER रिज ने। 1857 विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने। 1857 का विद्रोह न था प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था RC मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था ये कहा था TR होम्स ने। बारबेडिज्म और सिविलाइजेशन के बीच दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। दमन हडसन में ने कर दिया था इसका। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इसका दमन किया था कैम्बेल ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता थे नाना साहेब एवं तांतिया टोपे। रामचंद्र पांडुरंग जिनका ओरिजिनल नाम था। नाना साहेब का मूल नाम था धोंडू पंत। झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। दमन फिरोज ने कहा था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता थे कुंवर सिंह जगदीशपुर। दमन विलियम टेलर ने किया। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया पीर अली ने। पुस्तक विक्रेता थे दमन विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। दमन जनरल नील ने किया। 1857 विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्जा गालिब निवासी आगरा के थे। 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं SN सेन। राज्य हड़प नीति लागू किया डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध 1854 से 1856 में ब्रिटेन फ्रांस टर्की ने पराजित किया था रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमियन युद्ध से। लेडी विद द लैम्प कहा जाता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इंग्लैंड की। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ बंगाल में 1859-60 में। विष्णु विश्वास दिगंबर विश्वास ने इसको लीड किया था। नील दर्पण पुस्तक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। नेक्स्ट है बादशाह था। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828-33 ईस्वी में गोमधर कुंभर के नेतृत्व में असम में। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 ईस्वी में। कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में किया गया था। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू एवं कानू और चांद एवं भैरव के नेतृत्व में 1855-56 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899-1900 के बीच। नेता बिरसा मुंडा थे। उलगुलन विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को हुआ। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में विलियम जोन्स ने। वर्णाक्रमण प्रेस एक्ट पारित किया गया 1876 में लॉर्ड लिटन द्वारा। रद्द 1882 में लॉर्ड रिपन ने कर दिया। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक आधुनिक भारत का पिता युगदूत कहा गया राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किया कलकत्ता में। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक ईश्वरवाद की उपासना पर।
भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राम मोहन राय की मृत्यु हुई ब्रिस्टल इंग्लैंड में 1833 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में स्वामी विवेकानंद द्वारा वेलूर कोलकाता में किया गया और अपने जो है गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इन्होंने किया था। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने बंबई में किया। भारत भारतीयों के लिए एक नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था, ये नारा जो है किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी ब्रजानंद। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया 1882 में। मृत्यु अजमेर में हुआ राजस्थान में। प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले, पुस्तक इन्होंने लिखी थी गुलामगिरी। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 में। चाइल्ड मैरिज से ये था 14 वर्ष से कम की लड़की और जो 18 वर्ष से कम की लड़की की शादी के इसमें था। बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया 1872 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1875 में मैडम वलावात्स्की एवं कर्नल ऑलकट ने न्यूयॉर्क में किया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 में मद्रास के IDR में हुआ। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी 1907 में। भारत आगमन 1893 में, इस वक्त गांधी जी वहाँ गए साउथ अफ्रीका। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 में पंडित मदन मोहन मालविया ने। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हुई 1826 में हेनरी विवियन डिरोजियो ने। पेशा इनका क्या था, शिक्षक थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे तो वो थे हेनरी विवियन डिरोजियो। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के मध्य। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद खान। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ मुखर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ मुखर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता था, किनको कहा जाता था, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ह्यूम ने किया लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। उस वक्त वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है तो ए ओ ह्यूम को, स्कॉटलैंड वासी था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की डब्ल्यू सी बनर्जी। महासचिव थे ए ओ ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 में हुआ, भाग लिया था 1772 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस नाम सुझाव दिया दादा भाई नेहरू जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता 1886 की अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नेहरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ने 1867 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी दादा भाई नेहरोजी ने। पहली बार स्वराज्य का भाग मांग की 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में, अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस पुनः एक हुए लखनऊ अधिवेशन 1916 में। मुस्लिम लीग और जो है से कांग्रेस भी एक हो गया था गरम दल नरम दल के साथ साथ। अध्यक्ष इसके थे अंबिका चरण मजमूदार। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज जूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में, 1888 में इलाहाबाद में और ये मद्रास में। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ 1912 में बांकीपुर बिहार में।
अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यन मधुलकर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था वेलेंटाइन शिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1927 में दिल्ली में। कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलागांव कर्नाटक अधिवेशन 1924 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया 1923 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन कहाँ था? तो फैजपुर अधिवेशन 1937, इसकी अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। यह कहाँ था? गुजरात। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब इन्होंने पट्टाभी को सीतारमैया को हरा दिया था 1939 में त्रिपुरी में। उसके बाद पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई 1940 के लाहौर अधिवेशन में, अध्यक्ष था जिन्ना। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता या जनक था चौधरी रहमत अली, ये एक ऑक्सफोर्ड के छात्र थे और इसने जो है पर्चा छपवाया था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1947 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्र एंड पुलिन दास द्वारा बंगाल में किया गया। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून, क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में भरेंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में किया गया। इंडियन होम रूल की स्थापना की ১৯০৫ में श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा, और इसमें जो है पिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी और ये जो है किंग्स फोर्ड जज बच गया था। खुदीराम बोस को फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 को और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में किया गया। एच आर ए की स्थापना और जो है अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा पटना में। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था रामप्रसाद बिस्मिल ने, इन्होंने लिखा था बिस्मिल अजीमा आबादी ने लिखा था और इसको गाया था रामप्रसाद बिस्मिल ने। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, एट डाउन ट्रेन को काकोरी के निकट जो है लूट लिया गया था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मिटवेयर के दौरान। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी जतिन दास की 63 दिन तक भूखे रहने के बाद। गदर पार्टी की स्थापना, इनको जो है लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। भारतीय क्रांति का की महा कहा गया श्री भिकाजी रुस्तम कामा को, जन्म 24 सितंबर 1861 में हुआ। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला थी भिकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, कहा था मोहम्मद इकबाल ने। अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत को लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। बंग भंग की घोषणा की थी 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने और इसको लागू कर दिया था 16 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन हुआ तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना की सलीमुल्लाह खान ने 1906 में, प्रथम अध्यक्ष थे इसके आगा खान ढाका में। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, प्रथम जॉर्ज पंचम के द्वारा, जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थी दिल्ली दरबार के समय। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ 1909 में, इसी के तहत जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, कॉमनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 में।
प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत आगमन हुआ 1921 में और काफी विरोध किया गया इसका। जापानी जहाज गाटामारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में शेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी को अंग्रेज ने कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया था 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी ने फोनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में की। गांधी जी नारा करो या मरो के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। भर्ती करने वाला सर्जन कहलाए गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जब वो भारतीयों को भर्ती किए थे सेना में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से 1944 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। गांधी जी भारत का में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नील की खेती को तिनकटिया प्रणाली के विरोध में। तिनकटिया चंपारण पड़ता थी। किसानों पर द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति का सभा आयोजित की गई सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया हंसराज नामक भारतीयों ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या की उधम सिंह ने लंदन में 1940 में। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसरे हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रकाशन नव जीवन पत्रिका में हुई थी एक्सपेरिमेंट विद माय चूर। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। हमारे जीवन में प्रकाश चला गया किसने कहा था नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारागरों के लिए 1918 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन तिलक की भी मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में। कहीं कहीं 4 फरवरी भी होता है, ज्यादातर 4 फरवरी माना गया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के बाद। गांधी जी उस वक्त बारदोली में थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद की। चितरंजन दास जो थे इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे। देश बंधु कहा जाता था चितरंजन दास को। दीन बंधु किसको कहा जाता था बताइएगा आप लोग। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। और इसमें सभी जो है वो सातों जो मेंबर थे वो व्हाइट थे, इंग्लिश थे, इसलिए व्हाइट कमीशन भी इसको कहा गया। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज में। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था वटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को और कहा था कि बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में सॉन्डर्स की उन्होंने हत्या की थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। दांडी मार्च की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी जिला नौसारी गुजरात। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू में रूप में 78 अन्य साथियों के साथ की 240 मील वो चले लगभग। दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग कर। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने की और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जी डी बिरला, घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया 1933। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स अगस्टस हिक्की को। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की संस्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने, उपनाम सीमांत गांधी फ्रंटिया फ्रंटियर गांधी है। पुना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। और जो है जो कॉमनल अवार्ड जो है मैकडोनाल्ड ने जो है
अनाउंस कर दिया था रैमसी मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को। 1936 में लखनऊ में घटित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके जो है सेक्रेटरी सचिव कौन थे, तो एनजी रंगा। गुदाल आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किया। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था सरदार पटेल, लौह पुरुष भी कहा जाता है इन्हें। लौह पुरुष उपाधि दिया था गांधी जी ने, सरदार उपाधि दी बारदोली की महिलाओं ने। प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड एरविन के समय। प्रथम गोल में सम्मेलन उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। द्वितीय गोल में सम्मेलन 1931 लंदन में हुआ था। द्वितीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931। तृतीय गोल में सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 को। तीनों गोल में सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। क्रिस मिशन भारत आया मार्च 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिस मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बंबई से गांधी जी द्वारा करो या मरो नारा इसी समय दिया गया था, और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी और हरि नायडू को गिरफ्तार करके जो है आगा खान पैलेस में डाल दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था पूना के आगा खान महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 में वरिंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ घोष के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 1920 में एम एन रॉय ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में किया गया था, और जयप्रकाश नारायण जो है इसके अध्यक्ष थे और नरेंद्र देव जो है इसके सेक्रेटरी थे। नरेंद्र देव अध्यक्ष थे सॉरी, जयप्रकाश नारायण जो है वो सेक्रेटरी थे। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। 1936 में लखनऊ में घटित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव थे एनजी रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस, जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था इनका। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में कैप्टन मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1947 को सिंगापुर में किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था यूपी मिलर्ड एंड आई शिल गिव यू फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस नारा जय हिंद ने। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के अध्यक्ष के नेतृत्व में ए वी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए वी अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत विभाजन का माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। दोस्तों ये जो है आपको मैंने करा दिया है वन लाइनर जो भी हिस्ट्री एसपीडी का जो है मॉडर्न हिस्ट्री का था। तो और इसके बाद मैं आप लोगों को एमसीक्यू करवा रहा हूँ, जो सारे एमसीक्यू इसमें दिए हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है। तो भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है, इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लोग खुद से भी दीजिएगा आंसर और बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन थे। तो बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज का सेनापति कौन था, लॉर्ड हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई थी, तो वो की गई थी 12 अगस्त 1765। भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था, तो भारत में पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। सिख धर्म में संगत धर्मशाला एवं पंगत लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया, तो ये शुरू किया था आपको गुरु नानक ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। डच लोग कहाँ के निवासी थे, तो ये थे नेदरलैंड के। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था, तो श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना जो है वो किसने किया था, वो किया था गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। हिंद का चादर के नाम से किसे जाना जाता था, हिंद की चादर के नाम से जाना जाता था किनको जाना जाता था, तो वो जाना था गुरु तेग बहादुर।
ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने। फ्रांसिसो ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी आपको सूरत में 1913 में। कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसने किया? तो ये किया था आपको जॉब चार्नॉक ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1600 ईस्वी में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन हुआ? तो वो हुआ डुप्ले। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था आपको 1766 में, 22 अक्टूबर 1764। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया? तो वो किया था लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है आपको वॉरेन हस्टिंग को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल भारत का पूछा जा रहा कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक 1833 में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो था वो लॉर्ड कैनिंग 1858 में बना। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी जो है वो किस जगह का शासक था? तो वो था बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में अंग्रेज और जो है आपको डचों के बीच, इसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है किस गुरु ने किया था? वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। एल्बर्ट विल विद्रोह किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में 1883 में। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था आयरकुट ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई थी? तो वो थी एक्सला सपेल। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था आपको लॉर्ड क्लाइव ने। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? परमानेंट सेटलमेंट लागू करने वाला गवर्नर कौन था? तो वो था कॉर्नवालिस 1793 में। गुरु गोविंद सिंह का निंदन कहाँ पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो निंदन है वो किस जगह हुआ था? नांदेड़ महाराष्ट्र में। पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो पिंडारियों का दमन जो किया था वो किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? तो नरबलि प्रथा पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने। नेक्स्ट, भारत में सती प्रथा का अंत 1829 किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति थे, तो सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति कौन था? मीर जाफर, इसी ने धोखा दे दिया। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो वो लगवाया था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी भी हुआ करती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758-63 किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो वो हुआ था पेरिस की संधि से समाप्त। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ स्थापित किया था? श्रीरंगपट्टनम में। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर की नींव जो रखी थी वो रखी थी साईं मियां मीर ने। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर, 10वें गुरु थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो वो था 1666 में पटना साहिब में। फुट डालो और राज करो नीति किसने अपनाया था? तो ये अपनाया था लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो है वो बंगाल का नवाब जो है वो कौन था? तो वो था मीर जाफर। नेक्स्ट, अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर ओडिशा एवं बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? तो वो हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो अभ्यास ये है टेस्ट देखते हैं। मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल मालाबार तट पे 1919-20 में। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने, 1828 में हुआ था असम के क्षेत्र में। उलगुलन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उलगुलन विद्रोह का नेतृत्व किया था आपको बिरसा मुंडा ने 1899-1900 में हुआ था। इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। सूर्यस्त कानून का संबंध किससे था? सूर्यस्त कानून का संबंध जो है वो किससे था? तो वो था आपको अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट से। सहायक संधि को अस्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो वो था हैदराबाद। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया? तो वो किया था विलियम जोन्स ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1857 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो वो था धोंडू पंत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता थे तो वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मैकाले, जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता थे। दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एलन बेरो। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एलन बेरो के शासनकाल में। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में स्वामी विवेकानंद ने इसमें भाग लिया। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? तो वो देखा था मिर्जा गालिब ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1859-60 में बंगाल के क्षेत्र में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवेल आनंद मठ में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया? तो इसको किया था आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया? तो वो किया गया 1878 में, इसको समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882। भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता है? तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता भारत में किसको माना? रामानुजाचार्य को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 10 मई 1857 मेरठ से। मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? तो वो थे 34वें इन्फेंट्री के सिपाही थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो वो किया था दयानंद सरस्वती ने। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 1857 नामक पुस्तक के लेखक थे एस एन सेन। 1857 विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो वो कहा था आपको, राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले जो थे वो थे आपको डिजरॉली। तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो वो था रामचंद्र पांडुरंग। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई? तो वो जो की गई थी आपको 1828 में की गई थी, इसमें कोई आंसर नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? तो पुर्तगालियों ने। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस एनफील्ड राइफल। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? तो मंगल पांडे को जो है फांसी की सजा जो है किस वक्त दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के सैनिक विद्रोह किसने कहा? 1857 के विद्रोह को जो है सैनिक विद्रोह कहने वाला कौन था? तो लॉरेंस एवं सिले। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत नहल ने। 1857 के विद्रोह को दबाने वाले प्रथम सेनापति कौन था? तो वो था आपको कैम्बेल। सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सैडलर आयोग का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? शिक्षा से है। 1917 में आया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो वो है ग्वालियर में। पटना में 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में जो किया था वो किया था पुस्तक विक्रेता पीरअली ने। तीन इसको जो है जुलाई को शुरू किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध जो है वो है क्रिमियन युद्ध से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया था वो किया था आपको स्वामी विवेकानंद ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है दीनबंधु मित्र। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? तो वो दिया था आपको आर्य समाज द्वारा। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो वो की थी आपको बी डी सावरकर ने, नासिक मुंबई के क्षेत्र में 1904 में। अब जो है हम लोग देखेंगे तीसरा सेट जो हमारे लिए है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो वो हुआ था लाहौर सेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो वह चौधरी रहमत अली। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति किनको माना जाता है? हेनरी विवियन डेरेजियो को। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बनी थी आपको एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता सेशन में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो वो बने थे आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद 1927 में दिल्ली सेशन में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो किया गया 1911 में, इंडिया गेट का 1921 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो वो की थी लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वो गए थे 1893 में दादा अब्दुल्ला का केसर में। इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया? तो वो किया गया 1921 में।
कामागाटो मारू क्या है, तो एक जहाज था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया, तो वो किया 1905 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो किया गया आपको अडयार मद्रास में। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता, वो कहा जाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 72। किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे, ये नारा जो है किसने दिया था खून के बदले खून, तो ये दिया था अनुशीलन समिति का ये नारा था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब किया, तो ज्योतिबा फूले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की, तो 1873 में। दादाभाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब किया, तो प्रथम बार किया 1906 में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, और ये 1906 के कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष भी थे। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया, तो दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया 1882 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो वो की थी आत्मरंग पांडुरंग ने। पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो पहली बार कांग्रेस का विभाजन जो है वो किस वर्ष हुआ, तो वो हुआ था आपको सूरत अधिवेशन 1907 में। गरम दल और नरम दल में जो इसके रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष थे। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया, तो वो दिया गया 11 अगस्त 1908 को। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने, तो वो बने जॉर्ज जूलिया 1888 अलाहाबाद में। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 कहाँ पे हुआ था, तो वो था माखीपुर में हुआ था। आर एन मधुलकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपको बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास में। जेल में भूख हड़ताल की मृत्यु हो गई थी, तो वो गई थी जतिन दास की 63 दिन तक भूखे रहने के बाद। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आर्मी से लेकर आऊंगा किसने कहा, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 लखनऊ सेशन में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी, तो वो दी गई थी गोरखपुर जेल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास किसने लिखा, तो वो लिखा पट्टाभी सीतारामैया ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया न्यूयॉर्क में मैडम ब्लavatsky और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1885 में मुंबई में। सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखी, तो ये लिखी थी बिस्मिल अजीमाबादी ने, इसमें से कोई नहीं है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो वो कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था लियाकत अली। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भिकाजी रुस्तम कामा को। यह किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया, तो एक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो की गई 7 अगस्त 1905 को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है वो कहा जाता है एओ हीम को, जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो वो हुई थी 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीबी कृपलानी। भारत कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को। असहयोग आंदोलन को शुरू कब किया गया था, 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग घटना कब घटी थी, तो 13 अप्रैल 1919 को। देश बंधु के नाम से जाना जाता है वो है चितरंजन दास, दीन बंधु के नाम से सीएफ एंड्रयूज, जो मैंने पूछा था आप लोगों से। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो वो जो भारत आया 1928 में। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो कब लाया गया, वो जो है लाया गया 8 अगस्त 1940 को। गांधी जी ने फोनिक्स आश्रम की स्थापना कब की, 1904 में डरबन साउथ अफ्रीका में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो वो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया कब, तो वो आया 24 मार्च 1946 को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, चंपारण आंदोलन के समय। भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई, तो वो दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था, तो अनुशीलन समिति का गठन जो है वो किया था आपको बरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी, तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो की थी क्लेमेंट एटली ने, किया था, इसके वक्त प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया, तो दांडी मार्च का प्रारंभ जो किया गया वो किया गया आपको 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में किया था, तो ये जो किया था आपको नवजीवन में।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? तो ये जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन था लॉर्ड इरविन के समय। आजाद हिंद सरकार का गठन 1947 सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया? तो ये जो है आजाद हिंद फौज का जो है गठन सिंगापुर में किया गया था 20 अक्टूबर 1947 को। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफार खान ने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। डांडी मार्च में गांधी के साथ कितने लोग थे? तो 78 लोग थे। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे घनश्याम दास बिरला। 1932 में गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वो कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। हंटर कमेटी का गठन किसके जांच के लिए किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। भूदाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था विनोबा भावे ने 1951 में पोचमपल्ली गांव से। सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सजानंद सरस्वती 1936 में लखनऊ अधिवेशन में। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि जो दी थी वो थी महात्मा गांधी ने, और सरदार की उपाधि महिला बारदोली की महिलाओं ने। नोआखाली में महात्मा गांधी के साथ उनके सचिव कौन गए थे? तो वो थे आपको नोआखाली में जो थे वो थे आपको प्यारेलाल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के कैद करके कहाँ पर रखा गया था? पूना के आगा खां महल में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1927 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर एवं गांधी के बीच पूना पैक्ट कब हुआ? तब वो हुआ था 24 सितंबर 1932। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह जो है वो कहाँ किया था? तो वो किया था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया? तो वो किया गया 1932 में। ऑप्शन बी डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जेम्स अगस्टस हिकी को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो वो था पैथिक लॉरेंस। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1945 25 जून 1945। कृष्ण मिशन भारत आया, तो कृष्ण मिशन जो है भारत कब आया? तो वो आया था आपको 1942 में। कृष्ण मिशन जो है वो 1942 में आया था, तो इसमें जो है ऑप्शन नहीं है। तो 1942 में आया था कृष्ण मिशन, जिसको पोस्ट डेटेड चेक ने महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ये जो है आपको जो है सेट था और जो है वन लाइनर फॉर्मेट था एसपीडी के एसपीडी का मॉडर्न हिस्ट्री का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।